आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश पाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र के भलुहा गांव में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक का शव बाहर निकलवाकर घटना की जांच कर रही है। मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है, युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घटनास्थल के पास ही एक बाइक भी पाई गई है। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर और लोगों से पूछताछ करके मृतक की शिनाख्त करने में लगी हुई है। हत्या की आशंका, युवक के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे संभावना जताई जा रही है कि युवक के साथ मारपीट करके उसकी हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। हाँ, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली 100 डायल के माध्यम से रायपुर पुलिस को कि भलुआ गांव में पहाड़ी के पास में खदानों का एरिया, वहां पर कोई एक शव पड़ा हुआ है। उसके आधार पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची। साथ में उन्होंने FSL अधिकारी फिंगरप्रिंट की टीम को ही बुलाया था। मौके का निरीक्षण करके पाया गया कि एक व्यक्ति है जिसका शव खदान के पास में पड़ा हुआ था। कुछ उसकी बॉडी पानी में थी, कुछ बाहर की तरफ दिखाई दे रही थी और एक गाड़ी भी थी ऐसी, उसमें वो बॉडी भी गाड़ी भी उसकी वहाँ हैंडल वैंडल दिखाई दे रहा था। पुलिस ने पब्लिक के सहयोग से वाहन को, बॉडी को बाहर निकाल लिया और उसको जब देखा बाहर तो उसको कुछ चोटें थी सिर में और जहां बॉडी पड़ी थी वहां ऊपर की तरफ भी ब्लड के निशान थे और वहां से नीचे तक जाते समय ब्लड के कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। इस आधार पर पुलिस ने प्राथमिक रूप से हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया और साथ ही PM के लिए बॉडी भेज दी गई है। अभी अज्ञात शव का पता नहीं लगा है। जो मोटरसाइकिल मिली है मौके पे, उसका नंबर है MP 17 HC 2496। तो अगर आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्रसारित हो जाए कि इस वाहन का चालक जो है उसका इस तरह से ये शव मिला हुआ है, उसकी पहचान भी सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही आरोपियों के बारे में पतासाजी की जा सकेगी। सर, उसकी जेब से पॉकेट भी मिला है। हाँ, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो उसका फोटो है लेकिन उससे मैच नहीं कर रहा। इस तरह के कुछ तथ्य आए हैं, अभी उसकी जांच की जा रही है, पहचान की जा रही है।